सो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, जैसा कि मैंने लास्ट वाली पार्ट में इसकी फेस को शेडिंग करी थी, तो इस वाली पार्ट में हम इसकी जितनी भी ज्वेलरीज हैं एंड सारे पार्ट को कंप्लीट करेंगे। सो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, आपने अभी तक पीछे वाली पार्ट को नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। तो अब मैं ज्वेलरीज को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, जो रेफरेंस में है उसे अच्छी तरह से मैं देख रहा हूँ एंड ड्रॉ कर रहा हूँ। सो रेफरेंस फोटोग्राफ में जिस तरह से आपको ज्वेलरीज के जो टेक्सचर्स हैं उस तरह से दिख रहे हैं, उसी टेक्सचर्स को आपको सेम इसमें अप्लाई करनी है। आई मीन टू से कि जिस तरह से आपको रेफरेंस फोटोग्राफ में हाइलाइट्स एंड डार्क वैल्यूज दिख रहे हैं, उसी हाइलाइट्स एंड डार्क वैल्यूज़ को आपको इसमें देनी है एंड तो आपका खुद एक ऑटोमेटिक जो ज्वेलरीज है वो ज्वेलरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। सो ज्वेलरीज में कुछ कुछ पार्ट्स ज़्यादा ही डार्क हैं, जिन्हें देने के लिए मैं 8B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ किया हूँ एंड जो हमारा पेंसिल्स है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने शार्प करी है। सो आप भी कोई छोटे छोटे डिटेल्स करते हो, जैसे कि अगर आप भी ज्वेलरीज को ड्रॉ कर रहे हो, तो उसके लिए आपको भी पेंसिल्स को शार्प रखनी है ताकि आप जो छोटे छोटे वैल्यूज़ है उसे ईजिली दे सको। तो मैंने इसकी ज्वेलरीज को ड्रॉ करने के लिए वाइट जेल पेन का भी यूज़ किया है। सो इसी तरह से आपको रेफरेंस फोटोग्राफ से सारे पार्ट्स को ऑब्जर्व करना है एंड आपके पेज पर ड्रॉ करना है। कैन यू सी कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ एंड जो कुछ कुछ जो हाईलाइट्स है उसे देने के लिए मैं मैक्रो इरेजर का यूज़ किया हूँ। बाय द वे, जो मोनो जीरो इरेजर वो मेरे पास ख़त्म हो चुकी है। सो इसी तरह से आपको कंप्लीट पूरे ज्वेलरीज में टेक्सचर्स को दे देनी है। तो आप देखो मैं किस तरह से दे रहा हूँ। बाय द वे, आप देख सकते हो मैंने सारे टेक्सचर्स को दे दी है रेफरेंस फोटोग्राफी ग्राफ के अकॉर्डिंग। जिस तरह से उसमें हाइलाइट्स एंड डार्क वैल्यूज थे, उस वैल्यूज को देखते हुए मैंने सारे टेक्सचर्स को दे दी है एंड जो कुछ ज़्यादा हाइलाइट्स थे उसे देने के लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ किया हूँ। और अब देख सकते हो जो इसकी बॉडी की पार्ट है उसे मैं उसी तरह से ड्रॉ करूँगा जिस तरह से मैंने इसकी फेस को ड्रॉ करी थी। तो पहले मैं HB ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करके फर्स्ट लेयर दे दूँगा, देन मैं 2B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करके सेकेंड लेयर दूंगा एंड जो जहाँ जहाँ हमें थोड़ा सा और डार्क वैल्यूज चाहिए उस वैल्यूज़ को देने के लिए मैं 4B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करूँगा। सो बाय द वे, आप देख सकते हो कि मैंने किस तरह से ड्रॉ करी है एंड देन जो ज्वेलरीज के नीचे जो शेडो पार्ट थे उसे भी मैंने काफ़ी केयरफुली दी है। तो उसको भी आपको अच्छी तरह से देना है, बिकॉज जो हर शेडोज जो पोर्ट्रेट में शेडोज होते हैं वो शेडोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उस शेडोज को आपको देखना है और देना है। सो अब मैं इसकी साड़ी को ड्रॉ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। जहाँ पे जो फोल्ड पार्ट थी वहाँ पे मैंने 2B ग्रेड की पेंसिल्स यूज़ करके वहाँ पे स्ट्रोक्स लगा लिए हैं, सीधे लाइंस लगा लिए हैं, देन मैंने उसे ब्लेंड कर दिया है। तो आप देख सकते हो इफेक्ट उसकी काफ़ी अच्छी लग रही है। सो अगर आप रेफरेंस फोटोग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हो समझ के ड्रॉ कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा इजी है आपके लिए स्केच। इसमें भी जो हाइलाइट्स पार्ट हैं उसे देने के लिए मैं वाइट जेल पेन का यूज़ कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हो, देन अब इधर की जो पार्ट है उसे भी मैं उसी तरह से ड्रॉ करूँगा जो हमारा 10B ग्रेड की पेंसिल्स है उसका यूज़ करके मैं जिस तरह से इसमें टेक्स्चर्स दिए हुए थे उस टेक्स्चर्स को मैंने डार्कली प्रेशर का अप्लाई करके उस टेक्स्चर्स को दे दिया, आप देख सकते हो। तो अब मैं इसमें वाइट जेल पेन का यूज़ करके जो हाइलाइट्स हैं उसे दे दूंगा तो हमारा जो टेक्सचर्स है वो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो आप देख सकते हो। तो फाइनली जो हमारी वीडियो थी वो कम्प्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपने इस वीडियो से एंजॉय करी होगी, आपने कुछ सीखा होगा एंड एंजॉय करी तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।